नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी ने अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के विकास व कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पार्टी के उम्मीदवार निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट वितरण में कोई असमंजस नहीं था। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि इसकी अपेक्षा रखने वालों की संख्या भी अधिक है। नेतृत्व के नाम को देखा, विचार विमर्श के बाद टिकट वितरण किया गया। उन्होंने पार्टी में किसी भी बगाव से इनकार कर दिया है और कहा कि कुछ लोगों के उत्साही समर्थकों ने एक दो पर्चा दाखिल करा दिया, लेकिन नाम वापसी तक इंतजार करें। भारतीय जनता पार्टी सभी लोग कमल और पार्टी नेतृत्व में प्रति समर्पित हैं। यह निश्चित है कि ये सभी लोग एक होकर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को मिलकर जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों की संख्या ज्यादा है। नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई असंतोष नहीं है और कोई अजमंजस नहीं है। नहीं, बगावत रोकने के लिए इस तरह का किया गया क्या? बगावत तो हो रही है, कई लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित है, भाजपा को समर्पित है और नेतृत्व के लिए समर्पित है। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या है डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है, तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी ना जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, आज भाजपा ने यहाँ चुनाव के लिए सांग जारी किया है, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, इस सांग पर क्या कहेंगे ये निकाय चुनाव को लेकर? ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें हमको क्या ना, हमको तो यही कहना है कि हमारी सरकार पूज्य जोगी जी के नेतृत्व में गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश को किया है और आगे भी गुंडे अब शासन नहीं चलाएंगे। पहले गुंडे थाना भी चलाते थे, शासन भी चलाते थे, तो अब ये चीज दिखाई दे रही है और लोग भी उससे उत्साहित भी है, प्रसन्न भी है और निश्चित इसके परिणाम स्वरूप लोग भाजपा को चुनेंगे, भाजपा को अपना मत देंगे। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।